हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस के टेक्निकल खड़का जी। दोस्तों, तो मैं लाया हूँ आपके लिए रेडमी वाई टू। तो रेडमी वाई टू 9,000, मतलब आप बोल सकते हो 10,000 का सेट है। बहुत ही बढ़िया सेट है दोस्तों। 3 GB और 32 GB का 9,999 रुपये, बोल सकते हो आप 10,000 रुपये का। और ये है 13,000 रुपये का, जो 12,999 रुपये का 4 GB और प्लस 64 GB का मोबाइल है दोस्तों। तो मैं बता दूं, ये आपको अमेजोन में मिलेगा और 26 जून को 12 PM को करीब ना आपको ये मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये मोबाइल लेना है तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। रेडमी के रेडमी नोट 5 प्रो से तो ये बहुत बढ़िया है दोस्तों। इसमें डुअल कैमरा मिल जाता है सेटअप, और इसका कैमरा क्वालिटी रेडमी नोट 5 से बहुत अच्छा है। रेडमी नोट 5 प्रो से नहीं दोस्तों, रेडमी नोट 5। तो मैं रेडमी नोट 5 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, और ये है Y2। तो बहुत ही अच्छा सेट है दोस्तों ये। तो इसमें आपको देखिए क्या क्या मिला है। 12 MP का प्लस 5 MP का डुअल रियर कैमरा, और 6 इंच का ये फ़ोन है, और 18:9 रेशियो का फुल डिस्प्ले, और फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिलेगा दोस्तों इसमें। तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, काफ़ी अच्छा फ़ोन है दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा आपको इसमें डेमो भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर डेमो देख रहे होंगे आप। जैसे आपकी मैंने आपको ये वीडियो दिखा दिया, तो मैं आपको दूसरा वीडियो भी दिखा देता हूँ दोस्तों। तो आपने देखा यहाँ पर काफ़ी अच्छे दोस्तों, बोके इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा है इसमें। तो आपको AI सिस्टम भी मिल रहा है। और आपको इसमें फ्रंट फेसिंग कैमरा भी मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया दोस्तों कि किस तरह से आपको ये फ़ोन का डिज़ाइन और लुक वाइज काफ़ी अच्छा लगेगा दोस्तों। 12 MP प्लस 5 MP का रियल कैमरा है, और बुके इफेक्ट के साथ, और 16 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा है, जो कि आपके फेस को काफ़ी सॉफ्ट टोन और लाइट टोन देके आपको ब्यूटीफाई करेगा। और इसमें AI बेस्ड ब्यूटीफुल 4.0, जो आपकी फ़ोटो काफ़ी बेटर और काफ़ी अच्छा दिखने में लगेगा। और आपको 6 इंच का लार्ज डिस्प्ले मिलेगा, जो कि 18:9 रेशियो और फेस अनलॉक दोस्तों मिलेगा इसमें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और इसमें ख़ास तौर से इसके प्रोसेसर्स की बात करें हम, तो स्नैपड्रैगन 625 मिलेगा, जो कि काम करता है 14 नैनोमीटर ऑक्टा कोर की इसमें। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, और देखिए सॉफ्ट टोन सेल्फी लाइट आपको इसमें मिलेगा। 16 MP का हाई रेगुलेशन वाला, और ऑटो HDR भी आपको मिलेगा दोस्तों। फ़ोन काफ़ी अच्छा है। तो अभी तो मेरे पास ये फ़ोन आया नहीं है, जैसे मेरे पास फ़ोन आएगा तो मैं इसका अनबॉक्सिंग भी कर लूँगा। मगर दोस्तों, जितना जहाँ तक मैंने पता किया है यूट्यूब में भी देख के, और फ़ोन को MI स्टोर में भी जाके मैंने देखा है, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है दोस्तों। अगर आपको लेना है तो दोस्तों ये लीजिए, 10,000 रुपये के प्राइस में काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये फ़ोन आप आसानी से ले सकते हैं। इसके लिए आपको 26 तारीख का वेट करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, फ़ोन काफ़ी अच्छा है, और आप इसको आसानी से ख़रीद सकते हैं, और इसे आप MI स्टोर से भी ले सकते हैं दोस्तों। तो मेरा तो कहना यही रहेगा दोस्तों कि प्लीज़ ये फ़ोन लीजिए,
और इस फ़ोन का एंजॉय कीजिए। 10,000 की प्राइस में ये फ़ोन काफ़ी बेटर है और काफ़ी अच्छा है। और रेडमी नोट जो MI की कंपनी है, उनने ये काफ़ी अच्छा डिजाइन लुक लाया है इसमें, जो थोड़ा सा बदलाव किया है, तो आप डिज़ाइन देख ही रहे होंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपका दोस्त SK टेक्निकल खड़का जी, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।